नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। फिल्म मेकर करण जौहर और कंट्रोवर्सी का मानो चोली और दामन का साथ है। फिल्म मेकर करण जौहर पिछले काफी समय से विवादों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आलोचना झेल रहे फिल्म मेकर एक बार फिर से अपने आगामी वेब शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स को लेकर के विवादों में घिर चुके हैं। हाल ही में फिल्म निर्माता मधु भंडारकर ने करण जौहर और अपूर्व मेहता पर अपने वेब शो के लिए उनकी फिल्म का टाइटल हड़पने का आरोप लगाया है। मधु भंडारकर ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय करण जौहर, आप और अपूर्व मेहता, आपने मुझसे अपने वेब के लिए टाइटल की मांग की थी जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि मेरा एक सेम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। यह नैतिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों से गलत है कि आपने इसे द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का नाम इस्तेमाल किया। प्लीज मेरे प्रोजेक्ट में सेम ना लगाए। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे इसका शीर्षक बदलने का अनुरोध करता हूँ। बताया जा रहा है कि एसोसिएशन ने इस पूरे वाक्य को लेकर धर्मा प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स को पत्र लेकर टाइटल बदलने के लिए कहा है। गौरतलब है कि बॉलीवुड की चर्चित पत्नी संजय कपूर की पत्नी महिप कपूर, चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे और पूर्व अभिनेत्री नीलम कोठारी और सोहेल खान की पत्नी सीमा खान जैसी स्टार पत्नियों के वास्तविक जीवन पर आधारित है। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज के ट्रेलर को कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था और प्रशंसकों को उनके दिलकश जीवन की हल्की झलकियां मिल गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर करण जौहर और अपूर्व मेहता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस विवाद को लेकर भी बॉलीवुड दो पक्षों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ करण जौहर के शो कॉफी विद करण को बंद करने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरा पक्ष इसे प्रमोशन का एक नया तरीका बता रहा है। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए bollywoodcalendar.com।